हिलेरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री हैं और विदेशी देशों के संकट पर हमेशा दुख भी व्यक्त करती रही हैं। फिलहाल हिलेरी क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित उम्मीदवार हैं और चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। लेकिन हिलेरी क्लिंटन को जैसे ही बांग्लादेश में आतंकी हमले के बारे में पता चला, तुरंत सलामती का ट्वीट किया। ढाका में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की सलामती की दुआ मांगते हुए शनिवार को कहा कि लोग डर और नफरत के आगे कभी नहीं झुकेंगे। हिलेरी ने ट्वीट किया, बांग्लादेश में बंधक बनाए गए लोगों की सलामती की दुआ मांगती हूँ। उन्होंने कहा, हम लोग कभी डर और नफरत के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिका की विदेश मंत्री के तौर पर हिलेरी ने मई 2012 में बांग्लादेश की यात्रा की थी और उन्होंने अमेरिका बांग्लादेश साझेदारी संवाद बनाने के लिए बांग्लादेश में अपने समकक्ष के साथ आशय पत्र पर दस्तखत किया था। इस वार्षिक वार्ता के पांचवें संस्करण का आयोजन पिछले हफ्ते वॉशिंगटन DC में आयोजित हुआ था। अमेरिका के बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंध हैं। ऐसे में हिलेरी का ये ट्वीट आतंकवादियों के लिए कड़ा मैसेज है, तो वहीं बांग्लादेश के लोगों के लिए हिम्मत बांधने का काम करेगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।